चैनल भल्ला और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नया वीडियो। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विंग आईलाइनर कैसे ड्रॉ करना है। आई होप ये वीडियो उन सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है जिनको आईलाइनर लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली विंग आईलाइनर। सो आज मैं बताने वाली बहुत ही ईजी ट्रिक और बहुत ही ईजी तरीका जिससे आप विंग आईलाइनर यूँ लगा लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, विंग आईलाइनर लगाने के लिए मैं ले रही हूँ आईलाइनर्स। तो आईलाइनर तो मैंने लिया है एक जेल आईलाइनर और एक मैंने लिया है लिक्विड आईलाइनर। तो मैं एक आईज पे तो जेल आईलाइनर से ड्रॉ करूँगी और एक से लिक्विड। सो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे ड्रॉ होता है दोनों से। सो स्टार्ट करते हैं। तो उस आईलाइनर लगाने के लिए मैं ले रही हूँ टेप। तो जैसे कि बहुत से लोगों ने ये ट्रिक देखी भी होगी, बट जिन्होंने नहीं देखा है कैसे लगाते हैं वो देख लीजिएगा, उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। एंड सबसे पहले मैं टेप जो है कट कर लूँगी, थोड़ा सा इसको आगे कर लेती हूँ या थोड़ा सा जूम आउट। सो या गाइस, मैंने ले ली है टेप और इस टेप को मैं प्लेस करने वाली हूँ ऐसे, मतलब जैसा आपको विंग चाहिए। विंग की शेप अगर आपको ज़्यादा वैसी चाहिए तो आप ऐसे लगा लीजिए, मेरे को विंग की शेप ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं ऐसे लगाऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने जहाँ से आईज आपकी लास्ट हो रही है वहाँ से आपको अपने आईब्रोज तक इसको टेप को चिपकाना है। सो मैं देख लेती हूँ एक बारी। तो क्या कर रही हूँ, मैं अपने लोअर लैश जहाँ से मेरी स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेकर अच्छे से चिपका लूँगी। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने लोअर लैश से लेके अपने आईब्रो के लास्ट तक उसको प्लेस किया है। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी लगाऊंगी, अगेन टेप लेकर दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। एंड मेक श्योर गाइज कि आप दोनों साइड पे इक्वल लगाएं। सो गाइज, तो मैं अपने राइट साइड लगा रही हूँ लिक्विड आईलाइनर। तो इसको मैं जो एक्सेस प्रोडक्ट है ना वो हटा लूँगी अच्छे से, ताकि जो लाइन है वो बिल्कुल फिनिशिंग से ड्रॉ हो। सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको हमेशा जो है मिडल ऑफ द आई में स्टार्ट करती हूँ। तो मिडल ऑफ द आई आपको एक स्ट्रोक लेना है और हमेशा छोटे छोटे स्ट्रोक पे आपको लाइनर लगाना है अगर आप बिगनर हो तो। तो यू कैन सी मैंने ये लिया, एंड देन मैं जाऊंगी फिर अपने इनर कॉर्नर की ओर। यू कैन सी गाइज, अब जब मैंने अपने लगा लिया है मेन, अब मेरे को जितना विंग चाहिए ऊपर से आपको अटैच करना है नीचे तक। ध्यान से देखिए, ये देखिए मैंने ऊपर से उसको नीचे तक अटैच किया है। सो या गाइस, आप सब देख सकते हैं ये लाइनर जो मेरा राइट साइड में लगाया लिक्विड से कितना अच्छा लगा है। और ऐसा ही मैं अब बनाने वाली हूँ अपने लेफ्ट साइड, जो कि मैं यूज़ करूँगी जेल आईलाइनर। तो इसको रख देते हैं लिक्विड वाले को, और अभी मैं टेप नहीं उतार रही हूँ, दोनों की एक साथ उतारेंगे। सो मैं इधर ले रही हूँ जेल आईलाइनर मेबलिन वाला, और लिक्विड मैंने यूज़ किया है NYBA का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो इसको मैं ले रही हूँ ब्रश पे। सो गाइज, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने लेफ्ट साइड। तो अगेन मैं पहले अपने जो मिडल से लेके इनर कॉर्नर तक प्लेस करूंगी लाइनर को। यू कैन सी गाइज, मिडल और इनर कॉर्नर पे लग गया है। अब मैं इसके आउटर वी पे लगाने वाली हूँ।
तो ये थोड़ा स्टेप मुश्किल होता है बट टेप के साथ इजी हो जाता है। तो अगेन ऊपर से नीचे तक लेना है। और बाकी का फिल कर लेना। यू कैन सी, बस बाकी का फिल कर लीजिए। सो गाइज यू कैन सी मैंने बोथ साइड अपने लगा लिया है लाइनर, विंग्ड आईलाइनर टेप की हेल्प से, और इस साइड मैंने जेल आईलाइनर यूज़ किया, इधर मैंने लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया। सो अब हम जा रहे हैं अपनी टेप्स को हटाने। सो लेट मी शो यू कैसा लगा है लाइनर। यू कैन सी गाइज कि हमारा विंग्ड आईलाइनर बहुत ही प्यारा लग गया है। एंड ये देखिए कितना ही ज़्यादा इक्वल लगा है बोथ साइड। ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि आपका विंग्ड आईलाइनर इक्वल नहीं लगता है दोनों साइड पे, बट आप देख सकते हैं इसकी फिनिश और इसकी फिनिश, जबकि मैंने अलग अलग लाइनर्स यूज़ किए हैं फिर भी इन दोनों की फिनिश जो है बिल्कुल सेम दिख रही है। कोई बहुत ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि ये लाइनर दूसरा है और ये दूसरा है, ये लिक्विड है, ये जेल है। सो या गाइज यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मैं आपसे मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।